दुनिया में सब कुछ सिंपल हो जाए तो क्या हो, हम उस सिंपल को भी टिपिकल बना देंगे। हम ऐसे ही है मनुष्य जो ठहरे। ओए बाबा जी, सुबह सुबह क्यों ज्ञान दे रहे हो, वीडियो बनाने आए वीडियो बनाकर जाओ ना। ये भी सही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा था, वीनू पंजाबी के समझ नहीं आई। हमारी आज की वेब सीरीज भी सिंपल टाइटल से है, एक बड़ी टिपिकल। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल मर्डर की। जी हाँ, अ सिंपल मर्डर। तो ऐसे बोलो ना, तुम तो प्रवचन दे रहे हो, सुनाओ इसका एक्सप्लेनर सुनाओ, मुझे खुशी हुआ। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर स्कैम 1992 रिलीज हुई थी, जिसका एक्सप्लेनर मैंने बता दिया है। बस अब इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरी सीरीज अ सिंपल मर्डर की बात करते हैं। 2020 में रिलीज हुई। अपने रिलीज के साथ ही वेब सीरीज भी सुपर हिट की कैटेगरी में आ गई। यंगस्टर्स ने इसे बड़ा पसंद किया। पहले जान लेते हैं इसकी रेटिंग। तो दोस्तों, IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। ए सिंपल मर्डर में मोहम्मद जीशान अयूब, सुशांत सिंह, अमित सियाल, यशपाल शर्मा, विक्रम कोचर, प्रिया आनंद, गोपाल दत्त और अयाज खान ने एक्टिंग की है। वहीं इसका लेखक अखिलेश जायसवाल और प्रतीक पयोधी है। सचिन पाठक के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज की कहानी डार्क कॉमेडी पर आधारित है, जो कि भारतीय दर्शकों को लुभाती है। हालांकि ये भी है कि डार्क कॉमेडी अब तक बॉलीवुड और टीवी पर तो कहने भर की ही रही है, उसमें डार्क जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वेब सीरीज के माध्यम से अब क्रिएटिविटी का अंबार हर मायने में देखने को मिल रहा है। अ सिंपल मर्डर में सिंपल जरूर लगा हुआ है, लेकिन इसकी कहानी उतनी सिंपल नहीं है। रंगबाज के निर्देशक सचिन पाठक को दो शानदार लेखकों अखिलेश और प्रतीक के रूप में अच्छे कंपास मिले। ये दोनों लेखक नॉर्थ और साउथ पोल की तरह कहानी के हर एक सीन को जोड़े रखते हैं। ये दोनों कुछ भी कहीं से भी अटकने नहीं देते, ना ही भटकने देते हैं। पूरी कहानी चूहे से शुरू होती है, मगर ये मामला इतना पेचीदा भी हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। ए सिंपल मर्डर इस सब के अलावा भी बहुत कुछ है। धर्म पूछे बिना प्रेम कर बैठा एक जोड़ा है। एक पंडित जी है जिनका साइड बिजनेस सुपारी चढ़ाना या चढ़वाना नहीं, बल्कि सुपारी लेना है। पुलिस के दो चंगू मंगू है, और वो ऐसे दो कलाकार जिनके अभिनय ने इस सीरीज में जान डाल दी है। ये वेब सीरीज OTT पर रिलीज पहली कहानी है जो लव जिहाद के मसले को उठा रही है। दिल्ली में मनीष यानी जीशान अयूब अपनी पत्नी रिचा के साथ रहते हैं। रिचा का रोल प्रिया आनंद ने किया है। मनीष स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन पिछले 4 साल से वो अपना धंधा शुरू नहीं कर पा रहा। इसी बीच मनीष को एक इन्वेस्टर का कॉल आता है। वो मिलने तो पहुंचता है, लेकिन गलत पते पर, जहां मनीष को पंडित नाम का आदमी मिलता है, जिसका सिर्फ नाम ही पंडित है लेकिन काम गैंगस्टर का है। पंडित का किरदार थिएटर और फिल्मों की जानी मानी हस्ती यशपाल ने निभाया। यशपाल NSD पास आउट है, जाहिर एक्टिंग के पुरोधा है। हाँ हाँ, मालूम है, तुम भी नाटक वाटक करते रहे हो और तुम्हारा ये स्क्रिप्ट लिखने वाला भी, इसलिए जहाँ कहीं देखो थिएटर वालों की तारीफ करने लग जाते हो। बंद करो ये थिएटर वालों की प्रशंसा करना, मैं किसी स्टेट के बॉर्डर पर धरना देकर बैठ जाऊंगा। अरे ना वीनू, देश में पहले ही प्रदर्शन क्या कम होते रहते हैं, जो एक तुम। अच्छा मैं कहानी सुनाता हूँ। पंडित मनीष को 5 लाख रुपए देते हुए एक लड़की को मारने की सुपारी दे देता है। पैसों के लिए तरस रहे मनीष बाबू तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन मनीष की परेशानी यही नहीं रुकती। वो कहते हैं ना, जाना था चीन, पहुंच गया जापान। ठीक यही होता है मनीष के साथ। दरअसल मनीष गलत लड़की को मार देता है, और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जो ए सिंपल मर्डर को जटिल बना देती है। ट्विस्ट यह है कि हिम्मत को उस लड़की को मारने की सुपारी लेनी थी। हिम्मत का रोल किया है सुशांत सिंह ने। वही एक और किरदार संतोष इस कहानी में, जो खुद एक सुपारी किलर है। इस सुपारी किलर की पत्नी को मनीष ने गलती से मार दिया। संतोष का किरदार निभाया अमित सियाल ने। गलत मर्डर करके मनीष हर तरफ से फंस जाता है। एक तरफ संतोष और हिम्मत उसके पीछे पड़े हैं, दूसरी तरफ पंडित उसके पीछे पड़ा है क्योंकि मनीष ने गलत लड़की को मार दिया। अब मनीष अपनी जान किस तरह बचाएगा? इसके साथ ही मनीष की पत्नी रिचा का एक अलग अफेयर चल रहा है। मनीष को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? क्या इन सभी झमेले से मनीष बच पाएगा? 7 एपिसोड की सीरीज है और हर एपिसोड लगभग 33 मिनट का है। लेखक निर्देशक दो नावों की सवारी करते हैं और सबको लेकर डूब जाते हैं। इसमें कॉमेडी भी डालने की कोशिश की गई है, हालांकि इसमें वो ह्यूमर नहीं दिखता जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखता है। ए सिंपल मर्डर में ज्यादातर जगहों पर गोंद की जगह पानी है और दर्शक अपनी जगह पर चिपक नहीं पाता। ये थ्रिलर कॉमेडी हाथ आए पर मुंह को ना लगे जैसी है, यानी देखें हंसी भी ना आए और ना ही रोमांची हो, लेकिन कहानी का ट्विस्ट आपको आखिर तक बांधे रखता है। असल दिल्ली की पुरानी गलियों में शूट हुई वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर इस किसी दिन फुर्सत में 1 या 2 दिन में देखी जा सकती है। 7 ही एपिसोड और सीजन भी बस एक है अभी तक। तो सीरीज के लेखकों ने इसके किरदारों का आर्क ऐसा बना रखा है कि आखिरी मौके पर समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, सीरीज में कहीं कहीं ये लग सकता है कि एक ही बात बार बार बताई जा रही है,
और ये भी कि कहानी अपने अंजाम से पहुंचने से पहले ही खत्म होती दिख सकती है। लेकिन असली एंगल इसके बाद भी कम नहीं है। एक बढ़िया राइटिंग टीम और एक सुलझे निर्देशक का अच्छा काम है सिंपल मर्डर। बस इसके टाइटल पर मत जाना। दोनों लेखकों ने अपनी अपनी दिशाओं की सुइयां मजबूती से थामे रखी हैं। कुछ भी कहीं से भी ना टकने देते हैं ना भटकने। चूहे से शुरू हुआ मसला इतना पेचीदा भी हो सकता है, भला कौन सोच सकता है। लेकिन लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिशों के दौर में कोई बंदा पूरी सीरीज ही इसी ट्रैक पर छाप देगा, ये भी भला किसने सोचा होगा। लेकिन अ सिंपल मर्डर इस सब के अलावा भी बहुत कुछ है। कहानी बता देने से सीरीज देखने का मजा जाता रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनर वीडियो में व्यूअर का मन रहता कि आखिर सीरीज में है क्या। अबे तुमने ऊपर पात्रों का तो परिचय दे दिया, हमें घुमा भी दिया, पर कुछ डिटेल तो बताओ। ऐसे ही घुमा रहे हो जैसे हम लट्टू हो। अरे तुम तो लट्टू नहीं लल्लू भी हो, सुनो थोड़ा और। स्टार्टअप की दुनिया से दुखी एक पति को अनचाहे में ऐसा काम मिल जाता है जिसे वो ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपना लेता है। बीवी उसके अपने बॉस से सेट है और बॉस की सेटिंग आगे कहीं और भी चल रही है। पति ने जो काम किस्मत कनेक्शन समझकर ले लिया था उसको अंजाम देने के चक्कर में पूरा रायता फैल जाता है, और ऐसा फैल जाता है कि लाशों का स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। अदाकारी के लिहाज से भी सीरीज के कलाकारों ने कमाल का काम किया है, और इसका असल असर दिखता है वहां जहां सुशांत सिंह और अमित सियाल एक साथ होते हैं। दिल में दबी शायरी और जिगर में सुलगते अरमान, दोनों का साथ आना विस्फोटक है। जीशान अयूब को भी मौका मिला अपना दम दिखाने का, और उन्होंने दिखाया भी बहुत खूब है। वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर के ये तीन इक्के हैं। प्रियानंद की जगह अगर किसी काबिल अदाकारा को ले लिया होता तो सीरीज 100% परफेक्शन के करीब पहुंच सकती थी। पुलिस की तफ्तीश वाले कुछ सीन भी हटाए जा सकते थे, और कॉन्डम पुराण की भी उतनी जरूरत यहाँ दिखती नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो हमने शुरू में बताया IMDB की रेटिंग 6.7 जहन में रखें। बस इस रेटिंग के हिसाब से सीरीज है। पैसा वसूल पर बहुत लाजवाब नहीं। कुछ एक्टर कमाल के हैं, कुछ सामान्य है। लबो लुआब है ये डार्क कही जा रही कॉमेडी, उतनी डार्क नहीं पर ट्विस्ट वाली है, मजेदार और इंटरेस्टिंग भी है। आप इसे देख सकते हैं, सिंपल मर्डर की गहराइयों में उतर सकते हैं। अरे सिंपल मर्डर कर सकते हैं किसका? तुम्हारा और किसका, तो जेल जाना पड़ेगा। अरे चले जाएंगे, तुम्हारा क्लेश तो कटेगा। बहुत वीडियो बनाकर भगाते हो, क्यों दर्शकगण क्या कहते हो? कर दो इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम तमाम। अब जा, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। वाह क्या डायलॉग है। डायलॉग अपना नहीं, चुराया हुआ है। 70s 80s की किसी फिल्म का गाना है ये। चलो बहुत हुआ आज के लिए। नमस्कारम वणक्कम।